हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आगे ब्लाउज के आगे पल्ले की कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास अस्तर का कपड़ा है और ये है ब्लाउज का कपड़ा। तो पहले मैं अस्तर पे कट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने फोर फोल्ड कर लिया है इस कपड़े को। मैं आगे और पीछे पल्ले को दोनों को एक साथ ही कटिंग करूंगी, फिर उसके बाद अलग अलग करके मैं इसकी कटिंग कर लूंगी गले की। तो देखिए, ये मैंने फोर फोल्ड किया है। अब यहाँ से मैं लगाऊंगी गले का निशान। तो गला मैंने लिया है 3 इंच। तो इस तरह से मैंने गले का निशान 3 इंच पे लगाया है। शोल्डर भी 3 इंच रखा है। आर्म होल की गहराई मैंने 6 इंच रखी है। ये थोड़ी सी हेल्दी लोगों का है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब कुछ लिया है। आगे का गला मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने गुलाई दे दिया है। आर्म होल की साइड मुझे पूरा फिटिंग इसका चेस्ट रखना है, 40 का बना रही हूँ। तो ये पूरा 40 पे है और मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि 1 इंच इसमें जब प्लेट में लगेगा, प्लेट डालेंगे तो उसमें हो जाएगा। और मैंने 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने गुलाई दे दिया है। ये आगे जो गहरा वाला है वो आगे पल्ले का है, जो ऊपर से है वो पीछे पल्ले का है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक पूरा निशान लगा लेती हूँ। नीचे का पेट का साइज है 10 इंच, तो मैंने 12 इंच पे यहाँ नीचे से तिरछा किया है। तो जैसे अब मैंने इस पे निशान लगाया, सेम ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए, पहले मैं इस कपड़े को कट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से जैसे मैंने निशान लगाया है, वैसे ही इसकी कटिंग कर ली हूँ। अब इसे सीधा करने के बाद मैं आगे और पीछे पल्ले का जहाँ से ज्वाइंट है शोल्डर की साइड से, वहाँ से कट करके अलग कर लेती हूँ। तो देखिए, बैक पार्ट इसमें से मैं हटा दूंगी। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, देखिए मैंने पीछे का पल्ला 1 से 1.5 इंच छोटा रखा है और आगे का पल्ला बड़ा रखा है, क्योंकि यहाँ से जब बेल्ट ज्वाइंट करूंगी तो 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा और इधर उधर 1/2 इंच हो जाता है, तो इसलिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो देखिए, शोल्डर से मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से। आपको जो चेस्ट का, अपर चेस्ट का लेना है निशान लगाना है, जो डॉट लगाएंगी उसका जो मेन पॉइंट होता है उसका निशान आपको शोल्डर पर से इंची टेप को रखना है। 9.5 इंच से 10 इंच तक नीचे लगा सकती हैं। तो देखिए, मैंने 9.5 इंच इस तरह से लगाया है निशान। यहाँ से 9.5 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। तो देखिए, अब ये मेन पॉइंट है। अब यहाँ से 1.5 इंच की दूरी मैंने रखी है आगे बटन की साइड से, नीचे की साइड से, और जो साइड फिटिंग होती है बगल की साइड से, और ये है आर्म होल की साइड से। तो इस तरह से मैं चारों तरफ एक लाइन बना देती हूँ। तो ये हो गया, चारों डॉट हो गए। अब इस तरह से आपको निशान लगा लेना है जैसे आपको प्लेट लगानी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अब इतना डॉट का निशान लगाने के बाद, देखिए इतनी दूरी छोड़ने के बाद ही आप बेल्ट का निशान लगाइए, ये काफ़ी अच्छे से बैठता है। तो देखिए, मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बटन की साइड से इसकी पट्टी के लिए खोल लिया है मैंने। अब यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये पूरा आगे का पल्ला कट चुका है। अब इस कपड़े को मैं मेन कपड़े पर रखूंगी और उसकी कटिंग कर लूंगी। तो इसकी कटिंग कैसी लगी आप लोगों को, अगर अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो ये मेन कपड़ा है, मेन ब्लाउज का पीस है। तो उसके ऊपर आपको इस तरह से सेट करना है, जैसे भी जहां से आप निकालते हो कपड़े, पहले बैक पार्ट निकालना है फिर फ्रंट पार्ट। तो